दोस्तों, जीवन और मरण संसार के दो ऐसे सत्य हैं जो सभी वस्तुओं पर लागू होते हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है दोस्तों, तो उसे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। वैज्ञानिकों ने इस विषय पर बहुत सारे शोध किए हैं, जिनसे काफी तथ्य निकल कर सामने आए हैं। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूँ सुबोध। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहती। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले जन्म की बातों को याद ना रख पाने के पीछे ऑक्सीटोसिन नामक केमिकल है। यह केमिकल गर्भधारण के दौरान ही माँ के गर्भ से निकल जाता है, लेकिन अगर यह तत्व माँ के गर्भ से ही शिशु के साथ आ जाए तो उसे अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद रहती है। दोस्तों, पिछले जन्म में हमारी मृत्यु अगर किसी दुखद कारण की वजह से हुई हो तो नए जन्म में उसको याद रखने से मनुष्य फिर से दुखी हो जाएगा और लगातार उसके दिमाग में पूर्व जन्म की बातें और अपने करीबियों का दुख घूमता रहेगा। दोस्तों, इन्हीं सब में एक बात आती है कि हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार में कपाल क्रिया क्यों की जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय कपाल क्रिया भी इसलिए ही की जाती है। शव को मुखाग्नि देने के करीब आधे घंटे बाद जब शव की चमड़ी और मांस का ज्यादातर भाग जल चुका होता है, तब एक बांस में लोटा बांधकर शव के सिर वाले हिस्से में और घी डाला जाता है, जिससे कि सर का कोई हिस्सा जलने से ना बचे। इसे कपाल क्रिया कहते हैं। माना जाता है दोस्तों कि अगर सिर या दिमाग का कोई हिस्सा जलने से रह जाए तो इंसान को अगले जन्म में पिछले जन्म की बातें याद रह जाती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं प्राकृतिक कारण की। दोस्तों, प्राकृतिक ने मनुष्य का दिमाग भूलने के लिए ही बनाया है। हम अक्सर समय के साथ बीती बातों को भूल जाते हैं, यानी समय के साथ पुरानी बातों को भूलना और नई बातों को सोचना। अक्सर जिंदगी में इंसान के साथ बुरी घटनाएं हो जाती है, जिन्हें वह भूल कर नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अगर मनुष्य में भूलने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो उसके लिए एक नया शुरुआत करना असंभव होगा। इसलिए दोस्तों, पूर्व जन्म की बातें याद रखना भी असंभव होता है। कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्म का बोध हो जाता है, जैसे कि उसका नाम क्या था, कहाँ रहता था, कौन थे उसके माता पिता आदि। ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन दोस्तों ऐसा केस भी बहुत ही कम ही देखा जाता है। लेकिन इसमें भी कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता। और दोस्तों, चलते चलते आपको बतला दें कि हमारे शास्त्रों में भी साफ कहा गया है कि कर्मों से ही उसका अगला जन्म सुधरता है। आत्मा के कर्म इंसान को उसके पिछले जन्म की ओर खींचते हैं। इसलिए अच्छा जीवन जीने के लिए हमेशा यही बात कही जाती है कि जरूर इसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। तो यह था दोस्तों एक छोटी सी जानकारी कि क्यों हम सभी को अपना पूर्व जन्म याद नहीं रहता। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।